हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी लोगों के मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं। कल रात से मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो उसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और आज जैसा कि आपको पता है टीचर्स डे है, तो कुछ बातें जो कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ में शेयर करूँ ताकि आपको लाइफ में आगे बढ़ने में वो हेल्प करें। कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, कुछ रियल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो देखिए, जो मैं आपको एक रियल बात बताना चाहूँगा कि कई सारी बातें जो कि हमको पता नहीं होती है। मैं चूँकि अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहा हूँ, तो मुझे भी अब पता चल रही है कि मतलब लाइफ किस तरीके से चलती है, लाइफ की जो साइकिल्स है वो साइकिल जो है वो किस तरीके से चलती है। जनरली जो सबसे बड़ा जो टीचर होता है, आपके जो सबसे बड़े टीचर हैं, सबसे पहले जो टीचर हैं वो है आपके माता पिता। जीवन में क्या होता है कि हम लाइफ को समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं जो जैसा मैं समझ रहा हूँ वो ये समझ रहा हूँ कि जो भी चीज़ आप दे रहे हैं वो आपको रिटर्न वापस से मिलेगी। मतलब जो भी आप दे रहे हैं, चाहे आप किसी का मन दुखा रहे हैं या आप किसी को हैप्पी कर रहे हैं, अगर आप किसी को हैप्पी कर रहे हैं तो आपको दुगनी खुशी मिलने वाली है। अगर आप किसी का मन दुखा रहे हैं तो फिर आपका कोई ना कोई दूसरा दुखा के जाएगा। ये रियल बात है। ये मतलब ये मैंने महसूस किया है मेरी लाइफ में। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारे जो शब्द होते हैं वो बहुत चोट पहुंचाते लोगों को। तो कभी मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के बारे में कुछ आपके अंदर से आ रहा है कि मैं इसको इस तरीके से हर्ट करूँ, तो वहाँ पर आप अपने आप को रोक लीजिए, क्योंकि वो चीज़ें फिर आपको क्या है वापस से मिलने वाली है। सबसे बड़े जो गुरु हैं आपके, वो हैं आपके माता पिता। कभी भी जीवन में याद रखिएगा मेरी इस बात को, कभी भी अपने माता पिता का किसी भी तरीके से, चाहे आपकी वाणी से या किसी भी और प्रकार से, मन न दुखाएं। क्यों? क्योंकि यूं तो आप हैप्पी टीचर्स डे मैसेज भेजते रहते हैं, आपको लगता है कि जैसे मैसेज भेजने से सामने वाले को इम्प्रेस कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में उनके प्रति क्या भाव है, ये चीज़ इम्पोर्टेंस रखती है। तो सबसे पहले गुरु हैं आपके माता पिता, तो उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूँ समझ लीजिए कि भगवान खुद नहीं आ सकता है ऊपर से आपके साथ। अब उन्होंने यहाँ भेजा तो है, अब उनके बच्चे हैं हम, तो उनको ध्यान भी रखना पड़ता है कि यार इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप एक चीज़ नोटिस करो कि जब बच्चा छोटा होता है तो उस समय माँ बाप उसकी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, है ना, खाना खिलाना, है ना, मतलब सारी चीज़ें बिल्कुल। कभी भी आप जब छोटे थे तो ऐसा नहीं होगा कि आपको कभी भूख लगी और आपके घर वालों ने आपको खाना ही नहीं दिया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। तो सेम चीज़ें अब आपको भी उनको वापस देनी है, लेकिन हम नहीं दे पाते हैं। कहीं ना कहीं हम उनको हर्ट करते हैं, हमको पता नहीं चलता है। कुछ भी उन्होंने कुछ बोला कि बेटा ये कर ले, हाँ तुम रहने दो, आपको मम्मी आपको कुछ पता नहीं, आप फालतू दिमाग खराब मत करो, तो कहीं ना कहीं उनको हर्ट होता है। वो चीज़ें फिर आपको आगे तकलीफ देगी। ये मैं अभी लिख के दे दूँ आपको, जब आपका समय आएगा ना, समय आते टाइम नहीं लगता है। आज मेरी जो एज है, आज वो इतनी हो गई है ना, 18 प्लस हो गई है, अब 18 प्लस में इतनी भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी एज नहीं बताना चाहता, बस ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। 30 प्लस हो चुका हूँ मैं आज, और कई सारे एक्सपीरियंस मैंने लिए हैं लाइफ में कि जैसा हम देते हैं, कुत्ता जा रहा होता है ना रास्ते में, तो उसके जब हम एक लात की देते ना, तो वो लात हमको वापस पड़ती है। बस उसके लिए तैयार रहिए आप कि वो किस तरीके से पड़ेगी। तो क्या होता है कि कभी भी अपने, सबसे पहली चीज़, आज टीचर्स डे है तो उसके उसी के उपलक्ष्य में, मतलब यूँ समझ लीजिए आप, कि बस यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में अपने माँ बाप का मन किसी भी प्रकार से मत दुखाइए। आपके जीवन के सारे रास्ते खुलते जाएंगे। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं, देखो एक सत्य बात बताता हूँ, हालांकि मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी जो वास्तविक ज्ञान जो है वो ये है कि कई लोगों को लगता है कि मैं अगर ये डिग्री जो कर लूँगा तो मेरी लाइफ सेट है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसा मैंने बहुत सारी डिग्रियाँ कर रखी लोगों ने काफ़ी, लेकिन रियलिटी तो ये है कि जब आप काइंड बनेंगे, जब आप लोगों को खुशी देंगे, अपने माता पिता को देंगे या और भी कोई जो कि हेल्पलेस लोग हैं, तब जाके आपके प्रगति के रास्ते खुलेंगे। ये मैं आपको फैक्ट बात बता दूँ, ये मैंने महसूस किया है मेरी लाइफ में, है ना, कि अगर अपने को लगता है कि मैं खुद सोच लूँ कि मैं अगर मेरी बेटी को जो है लंदन में जाके पढ़ा दूँगा तो ये तरक्की कर लेगी, ये बहुत आगे निकल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। भले मैं इसको नहीं भी पढ़ाऊँगा, लेकिन अगर मेरे कर्म अच्छे हैं तो इसका रास्ता अपने आप लग जाएगा। ये रियल बात है, भले आप इसको मानो या मत मानो, है ना, बट भगवान के पास इतने रास्ते हैं ना। ये डिग्री विग्री का झंझट तो अपने पास है, भगवान थोड़ी समझते हैं कि डिग्री क्या होती है, उनको थोड़ी पता है कि भैया एमए क्या होता है, बीए क्या होता है, सीए क्या होता है,
उनके लिए उनका तो कॉन्सेप्ट ही अलग चलता है, वहाँ ऊपर का तो गणित ही अलग है। वहाँ तो भैया अच्छे कर्म करोगे तो आपके अपने आप छोटे छोटे रास्ते लग जाएंगे, वो हम लगा देंगे, ऊपर वाला कह रहा है कि वो मैं लगा दूंगा, आप चिंता मत करो। लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम तो गलत गलत करते हैं, लोगों का मन दुखाते हैं रोज़ लोगों का किसी भी तरीके से मन दुखाएंगे, किसी को अपशब्द कहेंगे, कुछ भी, मतलब अपशब्द से मतलब यूँ कुछ भी बोलेंगे जिससे उनको हर्ट होगा, और वो अपने छोटे छोरी को भेजेंगे वहाँ लंदन में पढ़ने के लिए। फिर बाद पता चलेगा कि वो छोटे छोरी जो है वो वहीं रहेगा, सेटल होगा, वो आपसे मिलने ही नहीं आ पा रहे वो। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। हो सकता है आपको मेरी बातें ऐसी लगी हुई है क्या बात कर रहा है, लेकिन जो सच है वो बता रहा हूँ मैं। वैसे तो मैं भी टीचर ही हूँ, आपको तो पता ही है, लेकिन जो वास्तविक नॉलेज अगर वो सही समय पे मिल जाए तो उसकी बात ही अलग है। तो कभी ज़िंदगी में अपने माँ बाप का मन मत दुखाइए, क्योंकि सबसे बड़े गुरु वो हैं आपके, और हर वो व्यक्ति आपके जीवन में गुरु होता है जिसने आपको एक छोटी से छोटी चीज़ सिखाई है। आजकल गुरु का मतलब होता है, जैसे लोग समझते हैं टीचर हैं जो पढ़ाता है, वो ऐसा नहीं होता है। हर वो व्यक्ति, एक छोटा बच्चा, एक साल का बच्चा भी आपका गुरु हो सकता है, अगर आपने उसको, उसकी वजह से आप अगर कुछ सीखते हैं तो, है ना। मेरी बेटी मेरे को कई सारी चीज़ें सिखाती है, मतलब मैं उसकी बातें बड़ी ध्यान से सुनता हूँ। मैं बहुत सारी बार ऐसी ऐसी बातें बताती वो कि पापा आपने ऐसा बोला था तो आपको ऐसा नहीं बोलना था, आपको ऐसा बोलना चाहिए, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें लेके आती हो। तो वो भी मेरी गुरु है एक तरह से। तो हो सकता है आपको मेरी बात समझ में आ रही हो नहीं आ रही हो, लेकिन ये बात फैक्ट है कि हमेशा अपना मन साफ़ रखिए। मन साफ़ रखेंगे, वो कहते हैं ना कि मन चंगा तो कसौटी में गंगा, मन साफ़ रखेंगे तो आपके रास्ते, मतलब आप खुद देखेंगे कि देयर इज अ मिरेकल इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे। आप देखेंगे वाओ ये मतलब कैसे हो गया। मतलब मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं सीए का बंदा हूं, मैंने सीए कर रखा, चार्टर अकाउंटेंसी, उधर कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं इधर इंग्लिश पढ़ाने लग गया और इधर एक नाम बन गया, और काफ़ी लोग अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, जबकि मैंने कुछ अंग्रेज़ी में उस समय जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तब तो मैंने कुछ भी नहीं कर रखा था। और बाद में मैंने किया तो वो यूँ किया कि लोगों के कहने पे बोले अरे सर आपने इंग्लिश आती है आपको तो ये डिग्री कर लो, तो वो भी डिग्रियाँ पढ़ी है, बैग में पढ़ी है, कोई मतलब नहीं है उनका। तो जो ये रास्ते जो खुले ना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे जो माता पिता हैं उनके अच्छे कर्म की वजह से है ना, उनकी वजह से खुले हैं ये। कोई क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें मेरी मैटर, मैं मतलब बहुत सारी बार क्या होता है चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ। घड़ी आपको दिखा रहा हूँ मैं, देख लो नहीं लाया हूँ है ना, ये बार बार सामने इसीलिए तो कर रहा हूँ ताकि आप देख लो इसको, देख ली हाँ आप देख लो, अब मैं नीचे रखूँगा इसको। तो ये भी ज़रूरी है यार, कॉन्फिडेंस रहता है इससे, पता है। देखो आप लोग सोचते हैं ना कि सर नए कपड़े पहनने से क्या होता है, नए कपड़े पहनने से कॉन्फिडेंस आता है, घड़ी पहनने से क्या होता है सर कॉन्फिडेंस आता है, पहना कीजिए। आपको कुछ थोड़ा बहुत लगना भी तो चाहिए अपने आप को कि हाँ मैं कुछ हूँ। जब तक आप अपने आप को खुद को प्रेम नहीं करेंगे तब तक दूसरे आपको कैसे करेंगे, बताइए आप। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन कुछ बातें हैं जो कि एक रियल एक्सपीरियंस मैं अपनी लाइफ का बता रहा हूँ कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि मैंने ऐसा कोई ख़तरनाक पढ़ाई नहीं कर रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरी लाइफ अगर देखा जाए तो वास्तव में स्टार्ट हुई कि सारी जो पढ़ाई थी वो सारी मैंने ख़त्म कर दी, सब ख़त्म करके ने अब मैं फ्री होके बैठ गया। अब क्या, अब कुछ नहीं भैया, क्या हो गया आपका? बोले साहब हमारा एम कॉम हो गया। बोले हमको ज़रूरत नहीं है। बोले सर एम कॉम हो गया, बहुत ख़तरनाक पढ़ाई करी मैंने, सीए भी कर लिया मैंने। बोले हमको ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद से लाइफ स्टार्ट हुई, फिर मैंने इंग्लिश सीखी और इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया, और मेरा एक दोस्त था उसको मैंने सबसे पहले पढ़ाया, और वो एसआई की तैयारी कर रहा था, और वहाँ से कैसे न कैसे शुरू हुआ। तो ये एक रियल एक्सपीरियंस है कि जब आपका मन साफ रहेगा, जब आप लोगों के प्रति अच्छे रहेंगे तो आपके रास्ते खुलेंगे। तो सबसे पहली बात कि अपने माँ बाप का मन मत दुखाइए, ना अपने गुरु का। हर वो व्यक्ति जिसने आपको कुछ सिखाया है या जिससे आप कुछ सीखे हैं, सीखने का मतलब कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बिना बोले भी आपको सिखा जाते हैं, और वो लोग सबसे ज़्यादा आपको सिखाते हैं जिन्होंने आपके साथ में फ्रॉड किया है, जिन्होंने आपके साथ धोखा किया है। तो वो आपको सिखाते हैं कि भैया ये तो छोटा था, आगे बच के रहना है ना। तो उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए आप, ताकि उनकी वजह से आप आगे बड़े ऑब्स्टेकल जो आपके लाइफ में आने वाले थे उससे बच गए आप कहीं ना कहीं। चलिए आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बस इस वीडियो का सार यही था कि कभी भी अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने माँ बाप का मन नहीं दुखाते हैं या फिर आप अपना मन साफ रखते हैं, तो आपको जहाँ तक मुझे लगता है कि अपने आप आपकी ज़िंदगी के रास्ते खुल जाएंगे और जो आपको लाइफ में चाहिएगा वो मिलेगा। ये जो डिग्रियाँ होती है, ये जो हम करते हैं, ये सब सेकेंडरी है ना। आपको प्राइमरी लगता होगा वो अलग बात है, बट ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है कि आपको अपने जो है एल्डर्स, जो अपने बड़े बूढ़े जो हैं है ना,
उनका मन कभी नहीं दुखाना, न किसी दूसरे इंसान का दुखाना। कभी भी आपके मुंह से कोई गलत बात नहीं निकलनी चाहिए किसी के प्रति, ताकि उसको चोट लगे। तो फिर देखिए, आपके रास्ते धीरे धीरे खुलेंगे, लोग आपसे प्रेम करेंगे और धीरे धीरे आप तरक्की करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।